पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में नामांकन करने पहुंचे धनोरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी समरपाल सिंह मीडिया से बड़े बड़े दावे करने लगे। जब मीडिया ने अपने सवालों का जवाब मांगा तो सवाल की अग्नि परीक्षा में वो फेल हो गए। इन्हें नेताजी के जवाब जानकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे। राष्ट्रगान के लेखक के नाम पर बगले झांकने लगे और दूसरे सवाल किया तो आप भी जवाब सुनते ही हंसी के मारे लोटपोट होने लगेंगे। आजकल अमरोहा में नामांकन का दौर चल रहा है। इस दौरान ऐसे नेताजी भी देखने को मिल रहे हैं जिन्हें मामूली ज्ञान भी नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का जज्बा रखते हैं। अमरोहा से चुनाव लड़ने को बेताब नेताजी आज पत्रकारों के सवालों से ऐसे चकरा गए कि वो कहने लगे कि अगर मालूम होता कि ऐसा इंटरव्यू होता है तो कसम से तैयारी करके आते। अब जरा आप भी जान लीजिए कि ये नेताजी हैं कैसे। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रगान किसने लिखा? और अब समय है। राष्ट्रगान किसने लिखा? और यार समय है। संविधान कितना समय में तैयार हुआ था जी? संविधान दो साल ग्यारह महीने तेरह दिन, दो साल ग्यारह महीने तेरह दिन। कांग्रेस से जनता का विजय विकास कैसे, किस क्षेत्र में विकास करेंगे? विकास हम सभी क्षेत्र जो होंगे सभी क्षेत्रों में विकास करेंगे अपना, जैसे कृषि का है और एजुकेशन का है, रोजगार का है। किस स्तर से देखते हैं आप जी? एजुकेशन किस स्तर से देखते हैं? मैं देखता हूं अभी तक मेरे विधानसभा में किसी भी विधायक ने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनवाया, ना कोई वहां पर मेडिकल कॉलेज है ऐसा है जिससे जो है वहां के बच्चे पढ़ कर बाहर के नौकरी में लग जाए। अच्छा, एक छोटा सवाल है मेरा जी। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रगान किसने लिखा? और अब समय है। राष्ट्रगान किसने लिखा? और अब समय है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।